हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भेलपूरी। तो भेलपूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चने ले लिए हैं हींग वाले, 100 ग्राम पापड़ी ले ली है, 100 ग्राम आलू भुजिया, 100 ग्राम सिंपल भुजिया ले ली है, 200 ग्राम मुरमुरे ले लिए हैं, 2 प्याज को बारीक कट कर लिया था, 3 से 4 टमाटर को बारीक कट कर लिया है, 1/2 लेमन ले लिया है, 5 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया था, 1/2 चम्मच चुम्मा चाट मसाला ले लिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये मैंने इमली का पानी तैयार कर लिया है। और यहाँ पर ही मैं एक बाउल में अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बाउल ले लिया है, ये मैंने प्लास्टिक का बाउल लिया है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाट मसाला किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जुम्मा चाट मसाला लिया है, थोड़ा लाइट होता है, तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसे डालूंगी। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भेलपूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले जो मुरमुरे ले रखे थे मैं पहले वो डाल दूंगी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है। अब जो मैंने यहाँ पे चने लिए थे और ये जो सामान लिया था मैंने, पापड़ी भुजिया, ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से भेलपूरी बनाएंगे तो आपकी भेलपूरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, इन ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। उसके बाद जो प्याज कट कर रखा था, पहले हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मैं मिक्स कर लेती हूँ इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। एंड फ्रेंड्स, इस तरह से भेलपूरी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, यमी लगती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ही मैंने सब मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्याज ली थी, मैं वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर। और जो टमाटर लिया था वो भी, और यहाँ पर और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। और हम इन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। बाजार की भेलपूरी से भी ज़्यादा टेस्ट लगती है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चाट मसाला। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाट मसाला कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैं यहाँ पर जुम्मा चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सही होता है टेस्टी में भी, इसका टेस्ट भी बढ़िया होता है। सो मैं इसे यूज़ करूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चाट मसाला ऐड कर दिया है, जुम्मा चाट मसाला। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है हमारी ये। उसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने इमली का पानी तैयार करके रखा था, मैं वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इमली का पानी फ्रेंड्स हम थोड़ा ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड करा है, छोटा वाला। Thank you.
उसके बाद फ्रेंड्स जो लेमन लिया था वो भी डाल देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने हाफ लेमन का जूस ले लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इमली का पानी और लेमन का जूस दोनों यूज़ करे हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स अम्मी नमक और फ्रेंड्स इसके बाद हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमने जो नमकीन ली है उन सबके नमकीनों के अंदर नमक होता है, फिर भी हम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिया है और हम अपनी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक मिनट के लिए रेगुलर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि अच्छे मिक्स हो जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स टोटली एक मिनट हो चुका है और हमारी भेल पूरी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ फटाफट से। तो देखिए गाइस 5 मिनट्स में मेरी भेल पूरी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसी ही वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को तो प्लीज़ ज़रूर दबा देना। और अगर आपकी मेरी रेसिपी ऐसी अच्छी लगी है तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है भेल पूरी, बहुत ही यमी लगती है, मतलब मैं तो बना के खाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।